अमरीका ने सैलाब से मुतासरा अजला की रिहायशी यूनिवर्सिटी तलबा के लिए 500 नई स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान किया। हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद में तकरीब का इनेकाद किया गया। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम भी उसमें शरीक हुए, खिताब किया, कहा कि खवातीन के आलमी दिन के हवाले से उन्होंने कहा कि खवातीन का आलमी दिन हमारी माओं बहनों और बेटियों की समाजी मुआशी और सियासी कामयाबी का जश्न मनाने का मौका है। तकरीब से खिताब में वफाकी वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल का कहना था कि सैलाबजदा इलाके तबाह हो चुके हैं, इन इलाकों के तलबा के लिए ऐसे मौके फराहम करना बेहद जरूरी है।